इस वीडियो में हम देखने वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जब भी हम कोई डेट का कंट्रोल ऐड करते हैं तो उस डेट के कंट्रोल को प्लेस होल्डर का टेक्स्ट किस तरह से सेट करते हैं। तो एक्चुअली डेट के कंट्रोल को प्लेस होल्डर का टेक्स्ट सेट करने में प्रॉब्लम क्या आता है, उस प्रॉब्लम को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आपको भी समझने में आसानी होगी। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऑप्शन में जाता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर मेरे जितने भी फॉर्म है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उनमें से मैं ये वाला फॉर्म यहाँ पर एडिट कर देता हूँ। फॉर्म को एडिट करने के बाद आपके फॉर्म की यहाँ पर कोडिंग ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट का कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ। तो डेट का कंट्रोल ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिफॉल्ट वॉल्यूम में आप जो भी प्लेस होल्डर रखना चाहते हो तो वो प्लेस होल्डर यहाँ पर आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर इंटर कर देता हूँ सेलेक्ट डेट नाम का। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है यूज दिस टेक्स्ट एज अ प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर इसको प्लेस होल्डर रखने के लिए आपको इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट टैग के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इंसर्ट टैग के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका डेट का कंट्रोल यहाँ पर प्रॉपरली ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सेव कर लेना है। फॉर्म के सक्सेसफुली सेव हो जाने के बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा ये पेज। तो इसको मैं यहाँ पर रीलोड कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। तो पेज के रिफ्रेश हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डेट का कंट्रोल यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट यहाँ पर सेट किया था वो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा। और आप अगर इसको मोबाइल व्यू में देखोगे तो मोबाइल व्यू में डायरेक्टली आपको ब्लैंक दिखेगा। तो मैं आपको इसको मोबाइल व्यू में भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका मोबाइल व्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डायरेक्टली ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल ही यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में देखने वाले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आपके वर्डप्रेस पे एक बैकएंड में जाना है। बैकएंड में आने के बाद जैसा कि मैंने यहाँ पर डेट का कंट्रोल ऐड किया था इसी तरह का आपको डेट का कंट्रोल ऐड कर लेना है और उसमें प्लेस होल्डर भी ऐड कर लेना है। इस तरह से प्लेस होल्डर ऐड करने के बाद आपको जाना है अपेरेंस में। अपेरेंस में आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज का सेक्शन ओपन हो जाएगा। कस्टमाइज का सेक्शन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सीएसएस में जाना है। तो एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। एडिशनल सीएसएस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सीएसएस का कोड इंटर कर लेना है। तो ये रहा वो कोड। तो सबसे पहले इस कोड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस कोड को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी अगर ये कोड लेना चाहते हो तो इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस कोड को ले सकते हो। तो कोड को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिश बटन पर क्लिक कर लेना है। पब्लिश के बटन पर क्लिक करने के बाद चलिए इसका अभी प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पेज के रिफ्रेश हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो सिलेक्ट डेट का जो प्लेस होल्डर यहाँ पर ऐड किया था वो प्लेस होल्डर प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। और मोबाइल व्यू में भी ये फील्ड डायरेक्टली यहाँ पर ब्लैंक दिख रही थी तो वो इशू भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो चलिए मैं आपको मोबाइल व्यू भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका मोबाइल व्यू। तो आप देख सकते हो मोबाइल व्यू में भी यहाँ पर सिलेक्ट डेट का प्लेस होल्डर प्रॉपरली ऐड हो चुका है। तो इस तरह से एक सिंपल सीएसएस कोड की मदद से आप डेट की कंट्रोल को प्लेस होल्डर का टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो एक बिल्कुल ही सिंपल सा वीडियो था। आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिलहाल के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।